उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। यूपी भेजने से पहले जेल में अतीक अहमद का मेडिकल हुआ और जेल ट्रांसफर की जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसमें करीब 7 घंटे का समय लगा और शाम करीब 5:44 पर अतीक को लेकर यूपी पुलिस रवाना हुई। इसके बाद गुजरात पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने में लंबा समय लगने की उम्मीद की जा रही है। यूपी पुलिस को प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंचने में लगभग 36 घंटे का समय लगा था। ऐसे में अतीक के रूट के बाद भी 27 मार्च की रात में प्रयागराज पहुंच पाने की संभावना है। आपको बता दें, यूपी पुलिस रविवार सुबह प्रयागराज की कोर्ट का प्रोडक्शन वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची थी। इसके बाद जेल में अतीक को यूपी भेजने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान तमाम दस्तावेजों की जांच पूरी की गई। करीब 5 घंटे की प्रक्रिया के बाद अतीक की साबरमती जेल में रवानगी हुई। लंबे समय से उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद को यूपी ले जाने की अटकलें थी। आखिर में अब प्रयागराज की कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण के पुराने मामले में पुलिस को वारंट दिया। तब यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद माफिया अतीक अहमद को लेकर वहां से निकली। जानकारी के अनुसार 2007 में किडनैपिंग के केस में प्रयागराज की कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इसके बाद ही अतीक अहमद के आगे का भविष्य तय होगा। माफिया अतीक अहमद के अगले 30 घंटे में यूपी पहुंचने की संभावना है। उसे अहमदाबाद से सीधे प्रयागराज ले जाया जाएगा। वहां 28 मार्च को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद को प्रयागराज मध्य प्रदेश के रास्ते से उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा। किडनैपिंग के केस के अलावा उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। यूपी के बड़े अपराधियों में शामिल अतीक अहमद को जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। अब फिर उसे यूपी लाया जा रहा है और अतीक अहमद के मन में सिर्फ एक डर सता रहा है, कहीं गाड़ी ना पलटे। अब पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की खास नजरें टिकी हुई है अतीक अहमद पर।